और लाल बहादुर सादगी के दो महान स्तंभ जिन्होंने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को हमेशा अपनाया, साथ ही एक ने नारा दिया जय हाँ भी जवान जय महत्वपूर्ण है। किसान, देश की अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर इन्होंने बल दिया था, साथ ही रक्षा को मजबूत करने का ध्यान भी दिया था। महात्मा गांधी जी के जो भी आदर्श रहे उनसे तो हर कोई विश्व परिचित है। तो इस प्रकार बर्थडे बर्थडे के उपलक्ष्य में शहर भर में आयोजन किए गए और छात्र छात्राओं ने भी इस बीच अपनी रैली निकालकर उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया, और उन्होंने जो भी बात कही वो आज के परिप्रेक्ष्य तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें एक पैट्रियोटिक का रोल भी प्ले कर सकते हैं, इसमें धन की आवश्यकता उतने मायने नहीं। बिल्कुल 2024 और आज की शुरुआत हो जाती है प्रभात रैली। तो दोस्तों इस तरह से वापसी की तैयारी घर की तरफ आने के लिए गवर्नमेंट बस रोडवेज बस इज अ बेस्ट एंड चिप वे फॉर कम बैक। सस्ता सुलभ साधन होती है, किसी भी एरिया पे आप चले जाओ। तो इस तरह से नींद लिया मैंने बस कट कट और बैठ गया हूँ बस के अंदर। बस के अंदर से बाहर का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। सरोवर के तट से होते हुए यह बस लगभग 4 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करेगी, फिर वापस नैनीताल की तरफ चली जाएगी। और इसकी सर्विस बहुत ही कभी कभी मिस हो जाती है, अदरवाइज आती ही है। ज़्यादातर छुट्टी के दिनों में इसकी सर्विस मिस हो जाती है, संडे के दिन मैंने देखी नहीं कभी आती है कभी नहीं आती है। फिलहाल आज तो आ ही गई है और अब मैं वापस घर की तरफ आ गया हूँ। सवेरे भी जल्दी निकल गया था तो इस वजह से जल्दी आना जल्दी जाना, फिर भी 2-3 घंटा तो खप ही जाता है अगर आप कहीं थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर एक टू वे टाइप का बना हुआ है, एक तरफ का रास्ता आने के लिए और एक तरफ का रास्ता जाने के लिए। जो बाहर से आउटसाइडर आते हैं उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं होता, हालांकि इंडिकेशन लगा है लेकिन वो इंडिकेशन भी कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते। इस वजह यहाँ पर भी जाम लग जाता है और हर हमेशा ही जाम रहता है। अगर नीचे से आने वाला वाहन जो अपनी दिशा में आ रहा तो उसके लिए बस को सीधा जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, जैसा कि आप देख पा रहे ये एकदम नीचे जाने के लिए रास्ता है और ये आने का रास्ता, इनकमिंग और आउटगोइंग का ये अलग अलग रास्ता है। पहले एक ही रास्ता था जब हम स्कूल पढ़ते थे और नीचे एक बस अड्डा हुआ करता था जिसमें सारी बसें यहीं पर आकती थी, उस समय में जगह भी काफ़ी थी। अब तो जगह इतनी कम हो गई है कि आप ढंग से चल फिर भी नहीं सकते। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी हो गया, उस समय में रोडवेज बस अड्डा था और सबके पास अपने आवागमन के साधन नहीं थे। तो इस तरीके से अभी बस रुकी हुई है, जब थोड़ा सा रूट यहाँ से क्लियर होता है तभी ये बस आगे बढ़ पाएगी। पहाड़ के सड़कों में ये डिसएडवांटेज होते ही शहर की तरह चौड़ी सड़कें यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती, कुछ भौगोलिक और पारिस्थितिक बनावट भी होती है, हालांकि इसका प्रपोजल है देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये यहाँ पर हमेशा ही चौड़ी बस या ट्रक वगैरह आ जाता है तो इस नैरो पाथ में अक्सर जाम की हमेशा ही स्थिति बने रहती है। जब स्कूल की छुट्टी का समय होता है अथवा रोडवेज अथवा बड़ी ट्रक वगैरह आते हैं, छोटे जीप वगैरह में तो जीप पिकअप वगैरह तो आसानी से पास आउट हो जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं आ गया हूँ घर की तरफ को। तो दोस्तों आई वुड लाइक टू थैंक्स
डियर व्यूअर, माई सब्सक्राइबर, रेस्पेक्टेड टीचर एंड माई डियर स्टूडेंट, आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार मन से अगर हम उनके बताए हुए आदर्श पर चल पाए तो यही उनके प्रति हमारी जो है सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर यू आर वॉचिंग टू मी। आप लोगों के द्वारा मुझे देखा जाता है, इसके लिए आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर ऑल माई व्यूअर। इस ऐप के अलावा डेली मोशन वेबसाइट पर भी आपको सेम टू सेम वीडियोज मिल जाएगा और फेसबुक पेज पर भी सेम वीडियो पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरा एक एजुकेशनल चैनल भी जिसका नाम एम टेक में। तो इस तरह से आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पर। तो आपके साथ मेरी यात्रा यहीं तक। जय जवान जय किसान, गूंजते रहें सत्य अहिंसा के संदेश।